कभी खुशी गम बट मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया. इट्स अ लाइफ लेसन लर्निंग था मेरे लिए और अपॉर्चुनिटी आई मेरे लिए. तो आई एम रियली थैंकफुल कि बिग बॉस ने अपॉर्चुनिटी मुझे दी और ऐसे लायक समझा कि मैं अंदर आ सकती हूँ. सो आई एम रियली हैप्पी एंड रियली ग्रेटफुल. मेरा एक मोटो था कि मान्या को दुनिया जाने, लोग जाने. तो आई थिंक बिग बॉस ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, लोगों ने कहीं ना कहीं सराहना दी. जो भी साइट था मैं बहुत खुश थी क्योंकि मान्या सिंह जैसे आप लोगों ने मुझे आज यहाँ पे खड़ा किया. सो आई एम रियली ग्रेटफुल क्योंकि बिग बॉस से ही ये मुझे आगे मुकाम मिला है. तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. देखिए जो जैसे भी खेल रहे हैं हमेशा से अच्छे खेल रहे हैं. तो गौतम हुए, सौंदर्या हुई या साजिद सर हुए, दे आर प्लेइंग रियली गुड. आई थिंक साजिद सर गेम भी नहीं खेले, ही इज़ बीइंग हिमसेल्फ. सो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि एक घर में आप जब खुद बनते हो, रियल पर्सन बनते हो, तो आपके लिए एक अप्रिशिएटिव होता है. तो मैं हमेशा से बोल रही हूँ कि जितने भी प्लेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं एंड गुड लक फॉर देम. आई वुड लव टू सी द बेस्ट. ऑनेस्टली मैंने पब्लिक जब मैं बाहर आई थी तो मैंने सबको बोला था कि मेरे स्टेटमेंट से अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज समटाइम आप जो हीट इन द मोमेंट बोल देते हो शायद आपको भी नहीं पता चलता है. तो मैं अपोलोजेटिक थी, मैं सबसे मैंने सॉरी बोला, दैट आई डेंट मीन दैट वे, बट अगर आपको बुरा लगा सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. मैं सबको सपोर्ट कर रही हूँ यार. अभी आई थिंक एज अ ह्यूमन आई वुड लव टू सी मोर रियल, एज आई थिंक सब लोग वही बन रहे हैं. सो आई कांट से दैट कि स्पेसिफिकली मैं किसको सपोर्ट कर रही हूँ, बट आई वुड लव टू सी अब्दू, साजिद सर, दे आर प्लेइंग रियली गुड एंड आई एम इन लव विद देयर यू नो कैरेक्टरिस्टिक. तो ये मेरे लिए बेस्ट है, मैं उनको ही ज़्यादा सपोर्ट करूँगी. बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कौन आगे जाता है. देखिए सब घर में कुछ ना कुछ करने गए. मैं ये नहीं बोल सकती फेक और रियल. आने वाले टाइम में फ्यूचर में हम सबको दिख जाएगा, बट आई थिंक इट्स इंडिविजुअल चॉइसेस. मैं नहीं होती कि कुछ कमेंट करूँ, बट डेफिनेटली साजिद सर अगर आप देख सके, ही इज़ बीइंग हिमसेल्फ, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. क्योंकि वो मेरे लिए गार्डियन थे अंदर. तो मुझे हमेशा से लगता है कि साजिद सर के लिए रूट फॉर हिम, रूट फॉर हिम. देखिए अब्दू यूजुअली क्या होता है ना कि एक पर्सन एक घर में 24 घंटे रहते हैं. कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नहीं बोल सकते कि आप एक इंसान, एक इंडिविजुअल क्यूट 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 हो सकते हैं. उनके अंदर भी कोई कुछ बुरा लगा होगा, उनका एक्सप्रेस करने का तरीका कुछ और होगा. क्योंकि कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तो इट शुड नॉट बी गुड. बट आई थिंक ही इज़ बीइंग हिमसेल्फ एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट.